गैंगस्टर संजीव जीवा के शूटआउट के दौरान एक बच्ची समेत चार लोग घायल हो गए, जिनमें से दो पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और दोनों घायल पुलिस वालों के मुताबिक सब कुछ दो से तीन मिनट के अंदर ही हो गया। जैसे ही संजीव जीवा को कोर्ट रूम में लाया गया, तभी अचानक वकील की ड्रेस पहनकर आए हमलावर ने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी और संजीव जीवा जमीन पर नीचे गिर गया। और जैसे ही कोर्ट वाले गेट के पास पहुंचे, बस अचानक गोली चलने लगी। घायल पुलिस वालों ने कहा कि उन्हें थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि वकील की ड्रेस में पीछे से आ रहा आरोपी बदमाश होगा। असल में संजीव जीवा की सुरक्षा में 10 पुलिस के जवान तैनात थे, उन्हीं में से ये दोनों कांस्टेबल भी शामिल थे। लखनऊ में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की कोर्ट परिसर में हत्या पर सियासी घमासान छिड़ गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस गोलीबारी पर सरकार को घेर लिया और आरोप लगाया कि यूपी में हत्या की वारदात उन्हीं जगहों पर हो रही है जहां सुरक्षा सबसे ज्यादा होती है। थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ कर खुली छूट दी हो। अखिलेश यादव के इन आरोपों को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खारिज कर दिया। क्या करेगा, उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि लखनऊ की कोर्ट में फायरिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ में संजीव जीवा की हत्या के बाद फरुखाबाद में बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार ने जश्न मनाया। हत्या की खबर मिलने के बाद द्विवेदी परिवार ने घी के दिए जलाए और ब्रह्मदत्त द्विवेदी की तस्वीर के सामने दिए जलाकर नारे भी लगाए। इस मौके पर परिवार वालों ने पटाखे भी फोड़े। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के भतीजे ने कहा कि आज पूरा परिवार खुश है क्योंकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का मुख्य आरोपी संजीव जीवा मारा गया। बहुत प्रसन्न है, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी का मुख्य हत्यारा आज स्वर्गवासी हुआ। वही मुजफ्फरनगर के मनीष गुप्ता नाम के एक व्यापारी ने भी कहा कि गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद आज हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। आरोप लगाया कि संजीव जीवा ने न सिर्फ उस पर कई बार जानलेवा हमला किया बल्कि उसकी कई प्रॉपर्टीज पर संजीव जीवा और उसके गैंग का कब्जा है। जिस व्यक्ति से लगातार 25 साल से आम जनता परेशान थी, उसको उसकी क्रिया की सजा मिली। जानकारी के मुताबिक पिछले साल मई में मनीष गुप्ता ने संजीव जीवा, उसकी पत्नी समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया था। औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का ऐलान कर दिया और फिर देखते ही देखते सैकड़ों प्रदर्शनकारी कोल्हापुर की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने थोड़ी ही देर में वहां हंगामा और बवाल शुरू कर दिया। औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ जगहों पर उन लोगों ने दुकानों को निशाना बनाकर खूब पत्थर भी बरसाए। हालांकि उनके बंद के ऐलान की वजह से किसी ने भी अपनी दुकान नहीं खोली। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर खड़ी कुछ गाड़ियां भी पलट दी। हालात जब तेजी से बिगड़ने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब के पोस्टर पर बवाल के बाद राज्य सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और कोल्हापुर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए बड़ी बैठक की गई। और इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर समेत सभी दलों के नेता और सभी समुदाय के लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी को कोल्हापुर में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर शपथ दिलाई गई। वहीं जिला प्रशासन ने एहतियातन 31 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करने का फैसला लिया। आरोप है कि कुछ लोगों ने बाद में सोशल मीडिया पर औरंगजेब से जुड़ी पोस्ट शेयर की जिस पर कुछ हिंदू संगठन भड़क उठे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ ये बवाल अहमदनगर जिले से शुरू हुआ था जहां उर्स के जुलूस में औरंगजेब की तस्वीरें लहराने पर विवाद हुआ था। इस मामले में एक दिन पहले ही पुलिस ने एमआईएम नेता सरफराज जागीरदार को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि आरोप है कि 3 दिन पहले अहमदनगर में उर्स के जुलूस में मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीरें लहराई गई थी। उस दौरान एमआईएम नेता सरफराज जागीरदार अपने कई समर्थकों के साथ वहां मौजूद थे। आरोप है कि उन्होंने जुलूस में औरंगजेब की तस्वीरें लहराकर डांस किया, जिसके बाद औरंगजेब की तस्वीरों के साथ डांस करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर कुछ हिंदू संगठन भड़क गए और उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने के बाद अहमदनगर की पुलिस ने सरफराज जागीरदार समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर विवाद बढ़ते ही राज्य सरकार एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांत रहने की भी अपील की। उन्होंने भरोसा दिया कि सरकार राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ। महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे पर अहमदनगर के बाद कोल्हापुर में भी विवाद हुआ। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। वहीं महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पुलिस को आदेश दिया कि वो हालात काबू में करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए।
इसके साथ ही कोल्हापुर में अगले 31 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इधर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान के पिता ने अपना बयान बदल लिया है। महिला खिलाड़ी के पिता ने कहा कि उस वक्त गुस्से में छेड़छाड़ के आरोप लगा दिए गए थे। तो आपको बता दें कि नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अब नाबालिग जो है उनके पिता ने बयान बदल दिया है। उनकी तरफ से कहा गया जो आरोप लगाए गए थे वो गुस्से में लगाए गए थे और अब जो है वो अपने बयान से पलट गए। फिर ये चीज डरने वाली स्टार्ट होती है। देखो गुस्सा था हमारे अंदर, मैंने फेडरेशन के अंदर अपील भी करी, फेडरेशन ने सुनी नहीं मेरी, तो मैं कहां जाऊं, सुने किस सुनाऊ, जिसने सुननी है उसने सुनी नहीं तो कहां जाए हम। तो उस गुस्से के अंदर आकर के देखो कुछ चीजें हैं, कुछ चीज सच भी थी जो हमने एप्लीकेशन दी थी, उसके अंदर कुछ चीजें गलत भी थी, कुछ चीजें ठीक भी थी। मैं आपके चैनल के मदद से बिल्कुल ये नहीं कि सब कुछ झूठ था या सब कुछ सच था, कुछ चीजें गलत थी कुछ चीजें ठीक थी। मैंने सही और गलत जो भी चीज थी सुप्रीम कोर्ट में जज साहिब के सामने जाकर के अपनी चीजें क्लियर कर दी है। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर जारी बवाल के बीच सियासत भी गरमा गई। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अलग अलग जिलों में हुए हंगामे पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया और कोल्हापुर में हुई तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार के मुताबिक औरंगजेब की तस्वीरें दिखाने पर बेवजह हंगामा किया गया। किसी का पोस्टर कुछ दिखाया ना, इसकी कोई आवश्यकता है, ये क्या इश्यू है? शरद पवार के इस हमले का जवाब राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हंगामे के पीछे कोई सोची समझी साजिश है। इसका असली मालिक कौन है ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से हंगामा न करने की अपील भी की। इधर गुजरात के कच्छ में हनी ट्रैप के एक मामले में पुलिस ने रेप की शिकायत दर्ज करवाने वाली लड़की और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि दावा है कि आत्महत्या करने वाला दिलीप नाम का आदमी हनी ट्रैप का शिकार हो गया था। पुलिस के मुताबिक पैसे न देने पर उसके खिलाफ लड़की ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया, जिसे तंग आकर उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस गिरोह की मास्टरमाइंड पहले से ही जेल में बंद है। और दावा किया जा रहा है कि मनीष गोस्वामी नाम की ये महिला अपने पति के साथ मिलकर हनी ट्रैप का ये गिरोह चलाया करती थी। पुलिस के मुताबिक दिलीप की संदिग्ध मौत की जाँच के दौरान पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के बहादुरगढ़ से। यहाँ पर गैंगस्टर काला जठेड़ी के नाम से प्रॉपर्टी डीलर से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है और फिरौती नहीं देने पर प्रॉपर्टी डीलर और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दे दी गई है। उधर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से शिकायत मिलने के बाद जाँच शुरू कर दी है। गाजियाबाद पुलिस के सूत्रों का दावा है कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दू मुस्लिम धर्म अपना चुके लड़कों की मदद से दूसरे हिंदू लड़कों पर नजर रखता था। सूत्रों का कहना है कि धर्मांतरण के लिए उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ हिंदू नाबालिग लड़कों पर ही होती थी, ताकि वो उन्हें आसानी से गेमिंग ऐप के जरिए मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बरगला सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दू इस्लाम अपना चुके नाबालिग लड़कों के जरिए ही दूसरे लड़कों पर नजर रखता था। मुस्लिम धर्म की तरफ झुकाव रखने वाले नाबालिग लड़के क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, इसकी पूरी जानकारी बद्दू के पास होती थी। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि बद्दू किसी भी लड़के से सीधे संपर्क में नहीं था। वो सिर्फ गाजियाबाद के एक नाबालिग लड़के को धर्मांतरण के लिए बरगला रहा था, जो हरियाणा के फरीदाबाद और चंडीगढ़ के रहने वाले 2 लड़कों के संपर्क में था। पुलिस को शक है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और डिस्कॉर्ड ऐप से धर्मांतरण का ये सारा खेल बद्दू के ही इशारे पर चल रहा था।